हमारा मेन पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। दो तरह का होता है, पहला फंक्शनल और दूसरा। बेटा शुरू करो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. रुक जाओ। अगर structure अच्छा होता है, effective structure होता है, तो profitability बढ़ेगी। हाँ भाई, हम भेजेंगे। अगर structure अच्छा होगा, तो profitability बढ़ेगी। अब देखो तुम्हारा कुछ किया, मैं structure का मतलब proper भी अपने departmentalization हो जाए। हरियो। और हर आदमी को जो meeting कौन सी वाली ढोकलान वाली ढोकली assignment का duty बात था ना। और reporting जुड़न वाला clear हो जाए। तो उससे क्या होगा? तुम्हें effective structure होगा तो profitability याद करो। मैंने बताया था कि हमें स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। जी कोई ऑर्गेनाइजेशन याद हो गुजरा आगे? अभी मैंने ये एक हायरार्की बनाई थी। ये हायरार्की किसकी थी? सिर्फ एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, उसकी हायरार्की थी। इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ना दो प्रोडक्ट बनाएंगे। कितने बनाएंगे? प्रोडक्ट दो। तो इस टॉप लेवल ने क्या किया, अपनी पोस्ट बदल दी। देखो ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पोस्ट बदल रहा हूँ इसकी। और क्या किया, टॉप लेवल और ऊपर पहुंच गया। और टॉप लेवल ने क्या किया, टॉप लेवल आ गया कुछ इधर, यहाँ टॉप लेवल आ गया। उसने यहाँ पर एक अब प्रोडक्ट हेड तैयार किया। क्या तैयार किया? प्रोडक्ट हेड। और यहाँ पर दूसरा पतंजलि का कुछ दूसरा आइटम आया, तो उसने यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट हेड बना दिया। और नीचे सेम हायरार्की जो यहाँ पर चल रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट है सब कुछ। मुझे बस ये बताओ, प्रोडक्ट कितने हो गए? दो। क्या इस दो प्रोडक्ट का होना क्या है? डिवीजन स्ट्रक्चर कहलाता है। डिवीजन हुआ किसके अकॉर्डिंगली? टेरिटरी के अकॉर्डिंगली या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली? प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन तो हुआ, लेकिन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। क्या दो प्रोडक्ट का बनना डिवीजन जो है डिवीजन स्ट्रक्चर कहलाता है? हाँ। क्या उस डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी होता है? हाँ। डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन क्या है, वापस आ रहे, जैसे ऐसे पहले एक प्रोडक्ट था, दो प्रोडक्ट आए, ये हायरार्की अब स्टीपर हो रही थी या फ्लैटर? यानी कि जैसे ऐसे कंपनी ग्रो करेगी, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? फ्लैटर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे और ध्यान देना है। रहा एक और स्टोरी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे देखो आगे। तभी क्या हुआ, कंपनी ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, यहाँ भी एक प्रोडक्ट हेड बैठा दिया, इसके नीचे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर कंपनी ने क्या देखा, ग्रोथ अच्छी हो रही है, एक और प्रोडक्ट लेकर आ गए, एक और प्रोडक्ट हेड बैठा दिया, यहाँ भी काम शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या, इसकी वजह से कुछ काम और प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। सारे प्रोडक्ट हिट नहीं थे, कुछ प्रोडक्ट फेल होने लगे। कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी ने क्या बढ़ा ली है, जब आप साइज बढ़ाते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा? जो ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको हटा दो। अब मुझे एक चीज बताओ, बड़ी अच्छी बात। अगर आपका टारगेट है कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लेकर आने हैं, आपके पास चार सब्जेक्ट पढ़ता हूं मैं, अकाउंट, इको, बिजनेस, मैथमेटिक्स, ठीक है, आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो मान के चलो मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, सबसे अच्छा। उसके बाद परफॉर्म कर रहे हो लाइक अकाउंट्स के अंदर, फिर उसके बाद परफॉर्म कर रहे हो इको, सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हो बिजनेस स्टडी के अंदर, ऐसा अगर मान के चल रहा हूं। ये बताओ आपका, आपकी स्ट्रेटेजी 100 में 100 लाना है, अपनी स्ट्रेटेजी में किसको इंपॉर्टेंस दोगे चारों में से? हाँ भाई, किसको दोगे? मैथ्स। और कौन था? चार। जो चारों को देगा वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाकी जो लोग बिजनेस को देंगे, ध्यान से सुनना इस बारे में, ऐसा होता है जो चीज आपकी बेस्ट है ना, उसको और बेस्ट कर दो, किसी एक को बेस्ट कर दो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसको बेस्ट कर दो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो उसको बेस्ट करो, सबसे ईजी है जो हो सकता है। पहली बात तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो बिजनेस स्टडीज का, मतलब प्रॉब्लम में चल रही है, प्रॉब्लम में चल रही है, तो आप उसको छोड़ दो। अब प्रॉब्लम में चल रही है छोड़ दो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसको पहले पकड़ लो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसको बेस्ट कर लो। उससे क्या होगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वही सेम चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाओ, सिंप्लीफिकेशन करो। व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? जो आता है उसको इतना अच्छा कर दो कि कम से कम ये बोल सको, ये तो मुझे आती है, इसको हटा दिया साइड में। अब क्या हो गया, तीन, अब इनको देखते हैं। यानी कि व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? जो प्रोडक्ट अननेसेसरीली ज्यादा बर्डन बढ़ा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हटा दो। क्यों? पहली बात देखो, समझो, अगर मैंने चार प्रोडक्ट हेड बना दिए, इस प्रोडक्ट हेड का एक्सपीरियंस किस चीज का है? इसका है शैंपू बनाने का एक्सपीरियंस, इसका है मैगी बनाने का एक्सपीरियंस, इसका है क्या बनवा दे
टूथपेस्ट बनेगा एक्सपीरियंस, इसका भी कोई और एक्सपीरियंस। ध्यान देना, ये चारों के चारों डिविजनल जो हेड है ये किसके है, पतंजलि कंपनी के। इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसने भी अर्न करके दिए 100 करोड़, इसने अर्न करके दिए 10 करोड़, इसने अर्न करके दिए 50 करोड़, इसने 1 करोड़। बाबा रामदेव क्या करेंगे, इसका पैसा कहां लगा देंगे, जो कम कमा रहा है क्या सोचकर, ज्यादा यहां लगाएंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रोथ करेंगे लोग। तो कौन लड़ेगा, डिविजनल हेड क्या बोलेगा, यार मेरे प्रोडक्ट का पैसा मैं कमा रहा हूं और आप दूसरे प्रोडक्ट को दे रहे हो। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब क्या होती है ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से क्या होता है, हम फंक्शनल से कहां शिफ्ट होते हैं, फंक्शनल से कहां शिफ्ट होते हैं डिविजनल। डिविजनल में भी पहले कहां पर प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट बढ़ने के बाद कहां पर टेरिटरी वाइज। ठीक है, आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में टेरिटरी को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, किसको दी गई है, प्रोडक्ट को। तो आ जाओ वापस चले भैया वापस जहां से आए थे। तो हमने क्या बोला, एंटरप्राइज जब ग्रो करती है तो साइज उसका बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ऐसे में प्रॉपर स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर से उसे कहा जाना चाहिए धीरे धीरे डिविजनल स्ट्रक्चर पे। बोलो बेटा आगे। As an organization grows, coordination becomes difficult due to the emergence of new functions and increase in structural hierarchies. भाई अभी हमने बात की ना, hierarchy बढ़ती जा रही है तो complexity बढ़ती जाएगी। Thus, for an organization to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं, environmental changes जो हो रहे हैं उसके लिए ध्यान से फिर से ध्यान सुनना, किसको काम करना पड़ेगा, top level क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कब हो पाएगी, जब पूरी हायरार्की प्रॉपर होगी, हर आदमी को पता है किसको क्या करना है, सब लोग अपने काम पे ध्यान देंगे और टॉप लेवल किस पे ध्यान देगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग पर। आगे हाँ भाई, अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार नाम सुना होगा, एक तो एडम स्मिथ का अच्छा वो रूल नहीं है, एडम स्मिथ जो कि पापा थे इकोनॉमिक्स के अलावा, इसके अलावा उन्होंने कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बेटा तुम साइड हो जाओ, तुम उधर हो जाओ, तुम उसके बगल में बैठे रहोगे और वो हंसेगा तो मिल जाएगा, तुम उसका सारे हो, देखो भाई तुम और दूर हो, उस कॉर्नर में पहुंचाओ तुम। हाजी, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा नाम जो 12th क्लास के अंदर 12th तक सुनने को मिलता है वो है एडम स्मिथ, नहीं वो सिर्फ पापा है, फिर कौन है, जेएम कीन्स। सबसे बड़े इकोनॉमिक्स कौन, जेएम कीन्स। ऐसे ही अगर हम आ जाए बिजनेस स्टडी में, सबसे बड़े, हाँ भाई सबसे बड़े महान आदमी कौन यहां पर, अच्छा दिखाई दे रहा होगा नाम लिखा है, सर है, हाँ भाई किसे नाम सुना है उसका, पीटर ड्रकर का, नहीं सुना, ये मैनेजमेंट के पापा माने जाते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट के पापा है ये। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी चलती है वो हेनरी फ्योल पे नहीं चलती, वो एफडब्ल्यू टेलर पे नहीं चलती, यानी कि जैसे आप लोग हायर स्टडीज में आओगे तो हायर स्टडीज का मतलब कौन हो गया, पीटर डकर, सारे के सारे इन्हीं के प्रिंसिपल्स वहां फॉलो किए जाते हैं। इन्होंने कंपनीज की थोड़ी किस चीज पे रिसर्च की हुई है, कहां पढ़ रहे हैं उसको, पहली बार ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, इसका मतलब जब कंपनी ग्रो करती है तो किसके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डकर के। लेकिन ये प्रिंसिपल्स आपको ज्यादा पढ़ाए नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो, ये नाम भी कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट के पापा हैं तो हम बस इतना पता होना चाहिए कि ये है कौन, पीटर। तो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। एक स्ट्रक्चर कौन सा है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क, हाँ भाई सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ये है स्ट्रक्चर। आप सबको मैं कई बार बता चुका हूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को दो पार्ट में, सुपरवाइजर और वर्कर। हाँ भाई यहां से यहां तक एक पार्ट में क्या, मैनेजर्स, ये कौन, वर्कर, राइट। हाँ भाई ये बताओ, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैनेजर का मतलब ये वाला लेवल जहां मैनेजमेंट काम करता है, एंड ऑपरेटिंग टास्क का मतलब कौन, वर्कर्स, जो ऑपरेटर है जो काम कर रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम सभी के लिए डिजाइन किया जाता है, एक फ्रेमवर्क है टॉप टू बॉटम लेवल तक के लिए। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ भाई किस किस को बता रहा है, पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस।
याद करो हम पढ़ते रहे थे बिजनेस स्टडी में रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, इसको मैं बोल रहा हूं ह्यूमन रिसोर्स, इसको बोल रहा हूं नॉन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स मिलके क्या करते हैं, वर्क। तो हम क्या कह रहे हैं, ऑफिस में जो भी बंदा रिक्रूट किया जाएगा, रखा जाएगा, उसको नॉन ह्यूमन के साथ मिलके क्या करना है, काम करना है। तो हम बोल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क और रिसोर्सेस के बीच में स्ट्रक्चर बताता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एंड इट अलाउज, अबे इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग किस किस के बीच में, ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल एंड दिस एनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। अब सीधी सीधी बात जो भी लिखे है ना, इसको लेके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लेके आते हैं, इसको लिख लेते हैं डिपार्टमेंट्स। क्या है ये, दीज ऑल आर द डिपार्टमेंट्स। हाँ भाई, ह्यूमन के लिए HR डिपार्टमेंट, आगे लिखते रहना बेटा, ह्यूमन के लिए क्या हो गया HR डिपार्टमेंट। फिजिकल की बात हो रही है तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, अबे किसकी बात कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेस, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक एसेट्स, है ना, एसेट्स के अंदर मशीनरी एंड ऑल, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। ऐसे यहां पर क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो तीन तरह के रिसोर्सेज बन गए हमारे, ह्यूमन रिसोर्स, नॉन ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन तीनों के बीच में या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोरिलेशन। यानी कि तीनों के तीनों आपस में कोऑर्डिनेट भी करें और कोरिलेट भी करें, साथ साथ मिलकर काम भी करें, और इन तीनों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट। The organizational structure of a firm is shown as the organizational chart. एक organizational structure जो होता है उसको क्या बोल सकते हैं, chart भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, organization chart। अब हम आते हैं इस बात पर। हाँ जी बेटे, यहां देख रहे हैं जरा, अगर मैं इसको हटाते हुए बात करता हूं पहले, हमारी कंपनी बस अब इतनी है ये नहीं, और इस कंपनी को कुछ ऐसे बांटा गया, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। नहीं मजा नहीं आया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल में सुपरवाइजर और वर्कर, टॉप मिडिल सुपरवाइजर एंड वर्कर। हाँ भाई मुझे एक चीज बताओ, टॉप लेवल मैं एक आदमी को कितनों कमर देनी है दिखाई दे रही है आप लोगों को, दो लोगों को। मिडिल लेवल कितनों को कमर दे रहा है एक बार में, नहीं दो, एक आदमी कितनों को दे रहा है, एक आदमी कितनों को कमांड दे रहा है ये देखनी है ना मैं तो। अब ये दो को कमांड दे रहा है, ये भी दो को कमांड दे रहा था, यहां पर कितनों को कमांड दिया रहा है, एक दो तीन। क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, नहीं पता नहीं, समझते हैं। ऐसा होता है, टॉप लेवल का काम क्या है बताओ भाई। हाँ भाई, टॉप लेवल को फिजिकल एफर्ट्स करने हैं या मेंटल? ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल एफर्ट्स करने वाला तो रात में चैन से सो जाएगा, तो शरीर थक जाएगा तो नींद ही आएगी, ठीक है, और नींद नहीं भी आ रही है तो क्या करेगा, चार बोतल वोदका है ना, उसमें से एक दो पैक लगा लेगा तो भी नींद आ जाएगी, क्योंकि वो थका हुआ होगा। लेकिन जब मेंटल फटीग होती है, जब दिमाग यानी हमारा जो कहते हैं जो अंदर का जो हमारा भेजा है, जब ये थक जाता है तो वो गाना है ना, वो गोली मार भेजे में, क्योंकि भेजा शोर करता है। यानी जब आपका दिमाग खुद से बातें करना शुरू करता है, आप लोगों को नोटिस किया होगा कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थके हुए होते हो या फिर टेंशन होती है तो रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उस दिन कौन दिमाग काम कर रहा होता है, शरीर बोल रहा है सो जा, बोल रहा है नहीं ये सोच, इसके बारे में सोच, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, एक तो होती है फिजिकल एक्टिविटी, एक होती है मेंटल। टफ चीज क्या है, मेंटल एक्टिविटीज। तो ऐसे में टॉप लेवल से कहा गया कि भाई तू कम से कम लोगों का हेडेक अपने ऊपर ले, तू ज्यादा दिमाग कहां लगा, अपनी प्लानिंग की तरफ दिमाग लगा, ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट तुझे नहीं करना। इसलिए हर कंपनी में बॉस का केबिन अलग होता है, उसका काम क्या है, शांति से अपने केबिन में बैठो और प्लानिंग करो जो भी करना है,
लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग नहीं करनी। तो टॉप लेवल में ऐसा कहा जाता है, अभी मैं बोल रहा हूं ऐसा कहा जाता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा करो। टॉप लेवल में ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी को कम से कम 2 से 4 लोगों को ही मैनेज करना चाहिए, 4 लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि मुकेश अंबानी आज की डेट में पूरे इंडिया में अगर हम बात करें कितने स्टेट है भाई, अगर वो हर स्टेट के हेड से बात करेगा, यानी कि अगर वो 29-30 लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा इंडिया में, फिर बाहर भी तो लोग होंगे, बाहर भी ब्रांचेस चल रही है। हाँ भाई, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि सुबह उठ के 29 लोगों से कम्युनिकेट करे? नहीं। उसने क्या किया, उसने टॉप लेवल होने की वजह से उसने अपने अंडर सिर्फ 4 लोग रखे। कैसे रखे उसने? तो उसने क्या देखा, भाई ये है हमारा इंडिया, इसको उसने क्या किया, इसको उसने 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे ना करके ऐसे बांट देता हूं, साउथ, हाँ भाई, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, 4 पार्ट से बांट दिया, 4 हेड बना दिए। वेस्ट, ईस्ट, हाँ भाई, ऐसे बोल रहे हो, वेस्ट, अच्छा ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, सुनो सुनो अब, अरे कोई बात नहीं, हमारा कुछ और मोटो है, देखो ये जो एक हेड है इसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ हेड, साउथ हेड, ईस्ट हेड, वेस्ट हेड, सारे के सारे क्या हो गए, हेड कितने हेड बनाए, हाँ भाई, अब हम ये मानते चल रहे हैं कि नॉर्थ में कितनी कितनी स्टेट, फॉर एग्जाम्पल 4 यहां पर कर दी, 5 यहां कर दी, 5 यहां कर दी, 6 यहां कर दी, हाँ भाई, वो हर स्टेट के हेड से बात कर रहा है या फिर उसने 4 रीजन बना दिए, 4 अलग अलग रीजन कर दिए। टॉप लेवल कितनों से कम्युनिकेट कर रहा है, सिर्फ 4 या 5 लोगों से, क्यों, लोग उसको ज्यादा टाइम कहां लगाना है, मेंटल एक्सरसाइज में, ये फालतू चीजों में नहीं काम करना उसको। तो हम क्या बोल रहे हैं, टॉप लेवल में क्या चाहिए, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का रेशो है, द रेशो बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट वाइडर होना चाहिए या नैरो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, डिफाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कंपनी पे डिपेंड करेगा, कितनी बड़ी कंपनी उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि कितनों के साथ, लाइक छोटी लेवल पे कंपनी चल रही है तो हो सकता है कि उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, या एक भी हो सकता है उसके अंडर में, मालिक अलग बैठा हुआ है, मालिक ने एक हेड अपॉइंट कर दिया, तू नेशनल हेड है, हाँ भाई ये भी तो सकता है, छोटी कंपनी है, क्या किया उसने, नेशनल हेड एक बना दिया, उससे बोला कि तू इन 4 को कंट्रोल कर। क्या आप लोगों को लगता है कि आज मुकेश अंबानी इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो क्या वो इन हेडों से बात करते होंगे? नहीं, उन्होंने क्या बना दिया, वो इन 4 के ऊपर एक, हाँ भाई, इन 4 के ऊपर एक नेशनल हेड। अब मुकेश अंबानी सिर्फ किससे बात कर रहे हैं, नेशनल हेड से, भाई 4 बात हो गई, हाँ हो गई, 4 की रिपोर्टिंग कौन ले रहा है, नेशनल हेड ले रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि टॉप लेवल में एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को मैनेज ढंग से इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, 4 लोग, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, किस पर डिपेंड करता है, उस सुपीरियर की एफिशिएंसी पर, इफेक्टिवनेस पर, कि कितना एफिशिएंट है, लीडरशिप कितनी अच्छी है उसके अंदर। क्या ये टॉप लेवल का एक बंदा 10 लोगों को भी मैनेज कर सकता है? हाँ कर तो सकता है, उसकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसके पास एक काम और है, क्या, प्लानिंग भी इसे करनी है, ठीक है सब। तो लोअर, अब हमारे मिडिल लेवल पर एक बंदे को, एक सुपीरियर को कितने सबॉर्डिनेट को मैनेज करना चाहिए? तो हमने कहा एक बंदे को 8 लोगों को मैनेज करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, डेटा फिक्स नहीं है, इट डिपेंड ऑन कंपनी का स्ट्रक्चर, कितनी बड़ी कंपनी है। तो एक बंदे को कितने बंदों को मैनेज करना चाहिए? 8 लोगों को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक है वो कौन है, सुपीरियर, और जो 4 है ऊपर वो कौन है, 4 उसके सबॉर्डिनेट। ऐसे ही मिडिल लेवल पर एक सुपीरियर को 8 सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करना चाहिए, इफेक्टिवली ये मानते हुए चल रहे हैं, एक सुपीरियर मिडिल लेवल पे 8 लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं, इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, ऐसा मानते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही लोअर लेवल पर एक आदमी 20 लोगों को मैनेज कर सकता है, क्योंकि काम ही तो करवाना है,
ये बताओ कि मैं लोअर लेवल पे टीचर हो गया, अगर मैं 20-50 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, दिल्ली में तो 1000-1000 बच्चों की क्लास चल रही होती है, किस पर डिपेंड करता है? टीचर की एबिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, वो कैसे 1000 बच्चों को कैसे कंट्रोल करने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक बंदा लोअर लेवल पर एक सुपीरियर 20 सबॉर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो जो मैंने तीनों पॉइंट रखे हैं, इन तीनों को देख के बताओ, सबसे वाइडर स्पैन इसे बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। टॉप लेवल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर है या नैरो, और लोअर लेवल पर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर, यानी कि लोअर लेवल पे एक आदमी कई लोगों को मैनेज कर सकता है, क्योंकि लोअर लेवल पे लोगों से काम करवाना है, लेकिन टॉप लेवल को प्लानिंग में अपना टाइम बर्बाद ज्यादा करना है, इसलिए वो कम से कम लोगों को कम्युनिकेट करता है। हाँ भाई, ये किसने बोला, FW सॉरी पीटर डगर ने, पीटर डगर के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया, टॉप लेवल पर स्पैन ऑफ टर्म सुनना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक आदमी कितनों को कंट्रोल करेगा, एक आदमी कितनों को मैनेज करेगा। तो टॉप लेवल में वो नैरो होता है, जैसे जैसे लोअर लेवल पे जाते हैं वो ब्रॉडर होता चला जाता है, क्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, इनके बीच का रिलेशन। तो टॉप लेवल में हम क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच का रेशियो है, वो रेशियो कम होना चाहिए, जैसे जैसे लोअर लेवल पे जाएगा वो रेशियो बढ़ सकता है। हाँ जी, तो आते हैं इधर, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बताओ किसी कंपनी के अंदर टॉप टू बॉटम, अबे ध्यान देना इधर, कुछ ऐसे 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 ऐसे, अगर आपको याद हो तो एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में स्टीपर, और एक पढ़ा होगा फ्लैटर। हाँ भाई, अगर इस तरह से ये क्या है स्टीपर, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है स्टीपर, इसका मतलब इसके अंदर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कैसा होगा, नैरो। और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या होगा, वाइडर। तो वाइडर कहाँ होगा, बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी लाइक रिलायंस एंड टाटा, वहां पर स्पैन ऑफ यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। जिस कंपनी का स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वाइडर, जिस कंपनी का स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, नैरो। क्लियर है? तो देखो भाई, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर, दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द, क्या बताता है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जैसे मैंने बोला टॉप लेवल में कैसा, लोअर में कैसा। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज असेंशियल टू एंश्योर, ऐसा होना चाहिए अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन, अभी जब भी हम स्केलर चेन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो किसकी बात आ रही होती है, कम्युनिकेशन पैटर्न, है ना। स्केलर चेन में याद होगा हमने पढ़ा था अपवर्ड या डाउनवर्ड फ्लो, तो ऐसे बोल रहे कम्युनिकेशन कैसा होगा, एंड बेटर कंट्रोल ओवर द पोजिशन, यानी हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, कंपनी की जो भी ऑपरेशंस है उस पर अच्छा कंट्रोल हो पाएगा। कब, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंड ऑफ कंट्रोल बेटर होना चाहिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंड ऑफ कंट्रोल छोटा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। क्लियर है ये? एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच इनेबल्स द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज अ इंटीग्रेटेड यूनिट बाय, इंटीग्रेटेड क्या है भाई, व्हाट इज इंटीग्रेटेड, आपस में यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब सारे लेवल आपस में मिलजुल के काम करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, कॉपरेशन। रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल इन सब की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करना, किसका काम है, अब किसका काम है ये, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजिंग का, पूरे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में है क्या, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करो। ठीक है, हाँ जी, तो आते हैं आगे।